दोस्तों, कैलेंडर का कोई भी साल और चाहे कोई भी मौसम हो और उत्तराखंड सुर्खियों में ना आए, ऐसा अब हो ही नहीं सकता। चाहे गर्मी में जंगलों में लगी भयानक आग की वजह से हो या वर्षा ऋतु में हुई बारिश की वजह से, उफनती नदियां और उनकी वजह से आई बाढ़ तथा उससे हुई आपदा के, लेकिन उत्तराखंड मानो अब हर साल आने वाली आपदाओं की वजह से सुर्खियों में शीर्ष पर बना रहता है। दोस्तों, अब तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग से भी प्यारे हमारे इस उत्तराखंड को किसी की नज़र सी लग गई हो। दोस्तों, मेरी तरह शायद आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि ऐसा क्या हो रहा है उत्तराखंड में, जो हर साल आपदा की चपेट में रहता है और जिसकी वजह से जान और माल दोनों की काफ़ी हानि होती। अगर हाँ, तो आज इस वीडियो में हम आपको वो सीक्रेट रीजंस बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जवाब देने से मौजूदा सरकार भी कतराती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टिडबिट इंडिया में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब वीडियो में आगे चलते हुए हम बात करते हैं उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं के 5 मेन रीजंस के बारे में। नंबर 1, हैवी रेनफॉल एंड ग्लेशियर बर्स्ट। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय के पर्वत नए होने के कारण बेहद नाजुक हैं, इसलिए ये बाढ़, भूस्खलन और भूकंप के प्रति काफी संवेदनशील हैं, खास तौर पर मानसून के दौरान जब भारी बारिश के चलते इन प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बढ़ जाती है। देहरादून स्थित हिमालय भूविज्ञान संस्थान में भूभौतिकी समूह के पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार कहते हैं, अपेक्षाकृत नए पर्वत होने के कारण हिमालय की 30 से 50 फीट की ऊपरी सतह पर केवल मिट्टी है, जो थोड़ी सी छेड़छाड़ होते ही खास तौर पर बारिश के मौसम में अपनी जगह छोड़ देती है और भूस्खलन का कारण बनती है। वहीं ग्लेशियरों पर शोध करने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालय के इस हिस्से में ही 1000 से अधिक ग्लेशियर हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे प्रबल संभावना ये है कि तापमान बढ़ने की वजह से विशाल हिमखंड टूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनसे भारी मात्रा में पानी निकलता है और इसी वजह से हिमस्खलन होता है। भारत सरकार के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी से हाल ही में रिटायर हुए डीपी डोभाल कहते हैं, हम उन्हें मृत बर्फ कहते हैं क्योंकि ये ग्लेशियरों के पीछे हटने के दौरान अलग हो जाती है और इसमें आमतौर पर चट्टानों और कंकड़ों का मलबा भी होता है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि नीचे की तरफ भारी मात्रा में मलबा बहकर आ जाता है। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे मौसम का पैटर्न अनियमित हो रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यह प्राकृतिक पर्यावरण की अस्थिरता में योगदान देता है, जिससे ऐसी आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। बता दें कि हिमालयी क्षेत्रों में उम्मीद के हिसाब से बर्फबारी नहीं हो रही है, ना ही निचले क्षेत्रों में मौसम के अनुकूल बारिश हो रही है। ये भविष्य के लिए किसी अशुभ संकेत से कम नहीं है। पिछले वर्षों की बात करें तो वसंत पंचमी के बाद प्रकृति व किसानों की फसलों में नव ऊर्जा का संचार होने लगता था, मगर इस बार मौसम के लगातार परिवर्तन होने से पर्यावरणविद और वैज्ञानिक खासे चिंतित हैं। केदार घाटी में लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन से जल स्रोतों के जल स्तर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में पेयजल संकट गहराने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। केदारनाथ धाम की बात करें तो धाम में इस बार शीतकाल में सबसे कम बर्फबारी हुई है, जो प्रकृति पर्यावरण के लिए शुभ नहीं है। बीते वर्ष अक्टूबर से अभी तक धाम में एक समय पर अधिकतम 3 फीट बर्फ ही गिर पाई है, जबकि पूरे सीजन में धाम में 6 फीट तक बर्फ जमा रही, जिसमें 4 फीट तक बर्फ ही अब मौजूद है। और सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावा बीते सालों तक पहाड़ इन दिनों में प्री मानसून बारिश से भीग चुके होते थे, लेकिन इस बार नजारा एकदम बदला हुआ है। आलम यह है कि सूरज की तपिश कहर बनकर टूट रही है। जिन पहाड़ी इलाकों का तापमान बीते सालों में कभी भी 30 डिग्री के पार नहीं गया, वहां इस बार पारा 35 से 45 डिग्री से अधिक जा पहुंचा है। पर्यावरण और मौसम के जानकार कहते हैं कि ये तो बस एक शुरुआत है, आने वाले सालों में तो भारी कीमत चुकानी है, और लगभग ऐसा हो भी रहा है। आलम यह है कि पहाड़ी इलाकों में अधिकतम के साथ ही न्यूनतम पारा भी चढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार गर्मी ने बीते 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसका असर पहाड़ी इलाकों में भी साफ नजर आ रहा है। नंबर 3, इकोलॉजिकल थ्रेट। दोस्तों, वनों की कटाई, सड़कों और बांधों का निर्माण और अनियमित विकास गतिविधियों ने क्षेत्र की प्राकृतिक लचीलापन को कमजोर कर दिया। वन क्षेत्र का नुकसान और प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों में व्यवधान बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को बढ़ाता है। डॉट कुमार के मुताबिक, ऑनवेदर सड़क परियोजना के लिए पहाड़ों की कटाई, चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भारी आवक और टिहरी बांध जैसे बड़े बांधों से नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृद्धि के कारण ज्यादा बारिश ने भी प्राकृतिक आपदाओं में इजाफा किया है। नंबर 4,
पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा योजना और निर्माण प्रथाओं के कारण बस्तियां और बुनियादी ढांचा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। खराब तरीके से डिजाइन की गई संरचनाएं और अपर्याप्त आपदा तैयारी ऐसी घटनाओं के प्रभाव को और खराब कर देती है। नंबर 5, लैक ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड प्रिपेयर्डनेस। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में प्रगति के बावजूद इस क्षेत्र में प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा तैयारी उपायों का अभाव है। इससे लोगों को समय पर निकालने और ऐसी आपदाओं के प्रभावों को कम करने की क्षमता सीमित होती है। सुशील कुमार कहते हैं कि प्रदेश में अर्ली वार्निंग प्रणाली, आपदा की चेतावनी देने वाली प्रणाली लगाकर आपदाओं से होने वाली जनहानि को कम किया जा सकता है, लेकिन इसके कारगर सिद्ध होने के लिए सरकार को इंटरनेट नेटवर्क में भी सुधार करना होगा। कुमार ने सरकार से भूकंप के प्रति संवेदनशील इलाकों में रह रही आबादी के लिए भूकंप रोधी आश्रय गृह बनाने और लोगों को भी ऐसी भवन निर्माण तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करने की अपील। उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र से मिले आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2020 के बीच राज्य में आई प्राकृतिक आपदाओं में करीब 600 लोगों की जान गई, जबकि 500 से अधिक घायल हुए। वहीं सैकड़ों घरों, इमारतों, सड़कों और पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण भी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। तो दोस्तों, इन्हीं सभी कारणों की वजह से स्वर्ग सा सुंदर हमारा उत्तराखंड अब खतरे की घंटी बन चुका है। और आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।